सभी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी 11 बज रहे हैं सुबह के। मैंने लंच सारा बना दिया है, दाल चावल सब्जी रोटी, सैलड कट करना है जो कि अभी करूँगी। और आज का ब्लॉग थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि किस टॉपिक पे है। आज है मेरी दादी का 62वां बर्थडे। तो आज 62 साल कंप्लीट हो गया दादी को, 63वें में एंटर करेंगी। देन अभी दादी और बाबा दोनों लोग गए हैं मंदिर और मैंने लंच बना दिया है। पवन जी चले गए अपना मार्कशीट ले आने, मतलब रिजल्ट ले आने 9th का। और बड़े वाले भाई को कुछ काम था तो वो भी चला गया है। दोनों लोग में से पवन जी तो कुछ खा के गए हैं दाल रोटी, लेकिन बड़े वाले भाई कुछ नहीं खा के गए हैं, वो अपने फ्रेंड वहाँ खा के वहीं से चले जाएँगे। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो स्टार्ट की जाए, जो भी होता है इस वीडियो में शेयर करेंगे। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मम्मी पापा गोरखपुर से आज रात भर के लिए आने वाले हैं, क्योंकि मम्मी होली में आई थी, तब से मम्मी से मामा वहाँ मिले थे हम लोग, उसके बाद से नहीं मिले हैं। तो मम्मी का पापा का आज प्लान था कि घर आएँगे हम लोग एक रात के लिए, तो रात में ही आएँगे लोग, 9-10 बज जाएगा उनको आते आते। देन उसके बाद से फिर जो भी होगा आगे ब्लॉग में शेयर करूँगी। अभी तक दादी पापा मेरे हैं और यंग हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है फोटोज़ वीडियोज़ में मेरे बहुत सारे, तो बहुत भाग्यशाली हम लोग। आप लोगों पर भी मेरी दादी का आशीर्वाद बना रहे, ऐसे ही प्यार दुलार आप लोग मुझे देते रहो। और मैंने सोचा वीडियो स्टार्ट की जाए, तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और अभी लंच करेंगे, थोड़ा सा तैयार होंगी और उसके बाद से जो भी होता है आगे वीडियो में शेयर करूँगी। आई थिंक अभी लंच करने के बाद मैं आराम करूँ, थोड़ा काम निपटा देने के बाद फिर शाम से वीडियो को कंटिन्यू करूँ। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, जो भी होता है आगे शेयर करती हूँ। सो फैमिली, तो पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैंने आलू वाले जो चिप्स बनाए थे नमकीन बनाने के लिए, वो प्रॉपर अच्छे से सूख गए थे एक ही दिन में। तो इस प्लास्टिक में मैं लेके आ गई थी छत से उतार के, और यहाँ पे ना मैं जा रही हूँ नमकीन बनाने, क्योंकि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि मम्मी पापा आने वाले हैं और मेरी दादी के मामा के लड़के, मतलब मेरी दादी के कज़न भाई भी आए थे पंजाब से। तो मैंने सोचा ना कि क्यों ना बना देते थोड़ा सा, वो बाबा जी जो आए हैं दादी के भाई उनको भी दे दूँगी बना के ट्रेन में खाने वाने के लिए, फिर दादी के लिए, और उसके बाद मम्मी पापा भी थोड़े लेते जाएंगे, बाकी मैं घर के लिए बाद में बना दूँगी। तो ये थोड़े मूँगफली के दाने थे, तो मैंने फटाफट से मूंगफली के दाने और जो चिप्स बनाया था ना आलू वाला, उसको फ्राई कर लिया एक तरफ। जो इंडक्शन पे आप कुकर देख रहे हैं, इसमें मैंने आलू बॉईल किया था सब्जी बनाने के लिए। दादी के बर्थडे का ब्लॉग है, तो उसी दिन मैं शाम को बना रही थी नमकीन, क्योंकि मैंने सोचा ना अंधेरा देख सकते हैं बाहर हो ही क्या है, तो मैंने सोचा नमकीन थोड़ा ही बना दूँगी दो लोग को देने के लिए, तो कम से कम देने के लिए तो हो ही जाएगा। और बाकी मैं भात में घर के लिए बना लूँगी। तो कड़ी पत्ता यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ, जब कड़ी पत्ता डाली ना इतना तेज़ करंट, जैसे इसमें से एक बार झाग निकला मैं तो डरी गई थी कि कहीं मुंह पे छिटकी ना आ जाए। तो यहाँ पे मैं कड़ी पत्ता और पोहे मूंगफली और ये जो आलू वाले चिप्स बनाए थे इसको एक में मिक्स कर दिया, उसके बाद से डाला इसमें काला नमक और मिर्चा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला। और सच बताओ ना तो इतना टेस्टी ये नमकीन बना था, क्योंकि मैंने ना एक दो चम्मच खाया है, पूरा मैंने दे दिया मम्मी को। और बाकी उस दिन, मतलब जिस दिन बनाई थी मैं परसों, तो उस दिन ना सबको दे दिया खाने के लिए एक एक प्लेट, और पैक भी कर दिया जिसको जिसको देना था उसके लिए। अब मैं दोबारा जब बनाऊंगी ना तो और अच्छे से बनाऊंगी, इसमें सेव वाले नमकीन बना के मिक्स करके। और यहाँ पे पनीर बाबा लेके आए थे 1 kg के लगभग, और मटर फ्रोजन वाला था, परवल आलू प्याज टमाटर सब कुछ मैंने रेडी कर लिया था, शाम को ही बना लिया था, मतलब कट कर लिया था, बना नहीं लिया था, कट कर लिया था और रख दिया था। खाना बनाने की तैयारी थी क्योंकि 10-11 लोग थे, मतलब 8:30 और लाइट कट गए। यहाँ पे मैं चूल्हा उतार के नीचे गैस पे बना रही हूँ खाना, जिसमें कि आलू परवल की सब्जी हो गई है, पनीर मैंने फ्राई कर दिया है, अभी पनीर का मसाला तैयार कर रही हूँ मैं, और धीरे धीरे खाना बना रही हूँ, क्या पता लाइट कब आएगा। और बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, गर्मी से हालत मेरी एकदम खराब है, सर भारी हो गया है। चलो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। आज फील हो रहा है ना कि कैसे पहले के लोग खाना बनाते थे, और एक ऐसा घर पहले के, मम्मी बताती हूँ कि एक ऐसा घर होता था जिस घर में बस खाना बनता था, वो घर मतलब पूरे मकान के सबसे कोने में होता था, और औरतें उस टाइम में ना चूल्हे पर खाना बनाती थी। इतना क्रिटिकल कंडीशन रहता होगा, और ऊपर से पल्लू प्रथा था, प्लस लाइट नहीं था, प्लस चूल्हे पर खाना बनाना, एंड एक छोटा सा दीपक जलता था मिट्टी के तेल वाला या फिर सरसों के तेल वाला, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता होगा। अभी तो सोच के मेरा हालत ख़राब हो गया,
गर्मी में तो हम लोग भी लाइट नहीं रहता तो बनाते हैं, बस गैस पे बनाते हैं। अगर इस टाइम पे मुझे चूल्हे पे खाना बनाना हो तो मेरी हालत एकदम से ख़राब हो जाएगी। बना तो लूँगी क्योंकि उपवास करके कोई सोएगा नहीं। और अभी ना मैं शेयर करूँ आपके साथ, तो गैस कभी भी मेरा ख़त्म हो सकता है और लाइट है नहीं, तो मुझे ना वो वाला दिन याद आ रहा है। देखिए क्या होता है, पनीर का मसाला बना लूँ और पनीर फ्राई करके सब्ज़ी हो गई है, वो चावल बनाऊँगी और चावल के बाद से पूरी। देखते हैं कैसे बनता है। और गैस चल जाए, साईं बाबा की कृपा से गैस पे आज बन जाए, बाकी ख़त्म हो जाएगा तो कल का कल देख लेंगे। लाइट का कोई ठीक नहीं है, कब आएगा कब नहीं, क्योंकि हवा चल रहा है, मौसम थोड़ा सा ख़राब हो गया है। उसके बाद फैमिली ये रहा दादी का केक जिस पे मैंने लिखवाया था लव यू दादी। ये तो सिंपल था, बट केक वाले जो है ना उन्होंने बोला कि सिंपल है, तो मैंने बोला लिख दो आप लव यू दादी। फिर 62 इयर्स वाला वो कैंडल ला दिया था। और यहाँ पे दादी मेरी ना इस तरह से पल्लू वाली साड़ी नहीं पहनती हैं, वो पीछे से जो आते हैं मतलब उल्टा पल्ला क्या बोलते हैं सीधा पल्ला उसको, उसमें साड़ी पहनती हैं। तो मैंने बोला ऐसे पहन लो आप, तो साड़ी में पिन लगा दिया था। देन इसके बाद से ना आँख बना है तो कंघी नहीं करना है, तब से बाल नहीं धुली हैं जब से आँख बना है, 15 दिन होने वाले हैं। तो बाल ऐसे ही ऊपर से मैं कोम कर दी और सिंदूर लगा दी थी, देन दादी को रेडी कर दी। और ये नई वाली साड़ी है जो मैंने नवमी पूजा में माता रानी को चढ़ाया था, वो वाली साड़ी है। और मम्मी को भी पीछे देख सकती हैं, मम्मी तो आधे घंटे पहले ही आई थी गोरखपुर से, तो मम्मी पहले से ही साड़ी वड़ी पहन के आई थी। मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए थे, कुर्ती डाल ली थी। और यहाँ पे केक इतना यम्मी था ना, मैं तो एक बाइट खाई। एक्चुअली बताऊँ ना, घर में कुछ भी होता है तो मुझे खाने पीने पे फोकस नहीं रहता है, मुझे रहता है खाना बनाना खिलाना। मैं केक थोड़ा सा खाई हूँ, जितना दादी खिलाई थी ना उतना ही खा पाई हूँ। तो यहाँ पे पवन जी, मैं, सब लोग फ़ोन में लगे थे अभी। पहले ना मैं सोची कि पहले फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हो गया कंप्लीट, और अभी जितना भी क्लिप है ना पापा के फ़ोन में आया, मैं इस वीडियो में ऐड कर दी हूँ, आप लोगों ने देखा है। अभी चल रहे खाना निकालने, क्योंकि बज गया है 10:40 और खाना सबको बहुत जोर की भूख लगी है। और ये धान निकाल के रख, यहाँ के कट करने वाले थे ये, बट यहाँ पे ना धान रखा हुआ है कुटाने के लिए। तो चलिए वीडियो को मैं कंटिन्यू बने रहिए, जो भी होता है आगे शेयर करेंगे। देन हेलो फैमिली, तो अभी रात में मैंने वीडियो को एंड नहीं किया था, अभी सुबह के टाइम में जल्दी जल्दी मैं लंच बना रही हूँ। लंच बोले तो लंच ही, क्योंकि दाल रोटी सब्जी बना रही हूँ। पापा खा के चले जाएंगे क्योंकि यहाँ से जाते हैं, उनको जाना है ड्यूटी, तो जाके मम्मी बनाएंगी पॉसिबल नहीं है। तो दाल बना रही हूँ, आलू परोठी की रोटी बना रही हूँ, और उसके बाद से रोटी बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा शोर शराबा सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि जो लोग भी आए थे ना, सब लोग जा रहे हैं, मम्मी पापा और एक बाबा आए थे, वो जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को एंड एंड करते हैं, मिलते हैं अपने वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय, टेक केयर। सो ये फैमिली के साथ कुछ फ़ोटोज़ है जो कि मैंने वीडियो में ही ऐड कर दिया, क्योंकि इसके पहले वाले दादी का जो बर्थडे था ना, उस बर्थडे पे जो वीडियोज़ मैंने बनाए थे वो मेरे से पता नहीं कैसे गलती से डिलीट हो गए थे। पूरी फ़ोटो वीडियो सारी मेरे फ़ोन से डिलीट हो गई थी, तो मैंने इस वीडियो में ही फ़ोटो डाल दिए, ताकि नेक्स्ट ईयर अगर जब हम कभी याद आए तो बीच में देख पाएँ कि हाँ ये फ़ोटोज़ थे, ये वीडियोज़ थे बर्थडे के। तो ऐसी कुछ वीडियो रही है, वीडियो बहुत ही अच्छा बना है, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूले, और दादी को विश करना ना भूले, क्योंकि मेरी दादी 62 इयर्स ओल्ड हो गई हैं, मतलब इतना उम्र है। मम्मी के साथ ये फ़ोटोज़ है, मेरी पूरी फैमिली के साथ ये सारी फ़ोटोज़ हैं। ये येलो कुर्ता वाले जो बाबा हैं ना, ये दादी के कज़न ब्रदर हैं। और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं प्यारे से ब्लॉग के साथ। दादी बाबा यहाँ पे देखिए कैसे लग रहे हैं, इतने क्यूट से। तो फाइनली डिनर करते हैं, बाय, टेक केयर।